रूबरू कार्यक्रम में आज मौजूद है राजधानी के फतेहपुर गांव में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं। तीज का त्यौहार है, आइए जानते हैं किस तरह से मनाया जाता है तीज त्यौहार, आज किस तरह से मनाया जाता है और जो इनके समय में 10-20 साल पहले जो मनाया जाता था। थोड़ा आगे आ जाओ मनोज, आगे जाओ। जी बहुत बढ़िया। आज जो कल तीज है, आपके जमाने में कैसे मनाई जाती थी तीज? खीर हलवा करे करे और सौंध को जाए करे तीज खेलने, जब भैया खूब नोचे गावे है ना, और खूब झूला झूले। अब तो भैया हमारे चने बोई करे, हाँ खा खा करे सब खेतन में कर बका तो चल जाओ लगा न सब खा खा ने चने साग ना बोई करे चने चने खाए ना खा के भी आए करे। हाँ पूड़ी पूड़ा बनाए, पूड़ी पूड़ा खावे, कचौरी बनाई, पकोड़े बनाए, खीर बनाई, सारी गुजरी डोड़ के खूब नोचेंगे, खूब गाएंगे। नहीं नहीं लगता पैर खावे और डिस्को करे कराई, खूब नोचे कराई। अब कौन नोच रहा भैया, क्या हो गया? जोर तक जोर तक तड़की करेंगे शुरुआत, तड़की नोचेंगे खूब खूब जाएंगे। हमारे साहबो हो ये चने कटाया बाड़ी के भोरा न्यू के सरिया बल मोनू कहते चले जहाँ सबको बोल निकले बुखार चढ़ रहा था, बुखार तो नाम तो है तेर सौ गाँव तेर को सही ना रेत की बहू यूरी अब रेत को के चोर मुंह उठा ले
ऐसा है इन महिलाओं में, त्योहार जब भी आते हैं तो एक मन में बड़ा उत्साह सा होता है। और हमारे जो त्योहार हैं हिंदू धर्म में वो ये जो लोग हैं नई पीढ़ी को एक संदेश भी दे रहे हैं, त्योहारों को ना भूलें। अभी कल जो तीज का त्योहार है, तीज के त्योहार के बारे में कहना है कि तीज बिखेर गई बीज और होली भर ले गई झोली। तीज के बाद त्योहारों की जैसे बाहर आ जाती है, एक के बाद एक काफ़ी त्यौहार आते हैं और होली पल और होली पर त्यौहार थोड़ा सा दिन के लिए रुक जाते हैं। यही है हमारा जीवन, उत्साह बढ़ाने के लिए त्यौहार ज़रूरी हैं। और ये जो हैं हमारे समाज के लोग महिलाएं, ये हमारे त्यौहारों को ज़िंदा रखे हुए हैं। वरना जो अभी आधुनिक पीढ़ी है वो तकरीबन त्यौहारों को भूल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मनोज के साथ वीपी शर्मा, INS News।